देखिए जी, दरबार में पूजा पाठ होने के बाद अभी टाइम है तो हम निकाल रहे हैं ये नवरात्रों में चढ़ा था श्रृंगार चूड़ियाँ अग्रह, तो कल करवा चौथ है उसके लिए हम सब ये निकाल निकाल के दे रहे हैं सबको। चूड़ियाँ बना लिए हैं सबके लिए, श्रृंगार बिंदी मेहंदी ये देखो ऐसे बॉक्स रख दिए हैं पैक करके, और उधर भी रखे हैं कुछ कुछ को मैंने दे दिया था, जिनको नहीं दिया अभी नवरात्रों के बाद उन्हें दूंगी ये सब। काम है? तुम तो साथ साथ चल रहे हो, हैं? तो मेरे होते भी इसका अनिष्ट नहीं हो सकता, ये तो मैं सच में नहीं कहती हूँ। तो ये क्यों परेशान हो रखी है, ये तो कह रही है काम धंधा नहीं चल रहा। एमा इसकी अपने ही इसे देख के चलती है। तो यहाँ पे दरबार लगने के बाद अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो ऊपर दीदी आ रखी है, थ्रेडिंग हो रही है और मेहंदी भी लगा रहे हैं हम। 5 बजे मैं दरबार में से उठी थी, 12:30 बजे दरबार में आज बैठ चुकी थी मैं, 12:30 से ज़्यादा हो गया था, शायद 1 बजने वाला था तब बैठी थी उससे। तो 10 बजे मैं दरबार में आ गई थी काम अग्रह करके सारा घर का, उसके बाद दरबार में पूजा पाठ करने के बाद हमने कुछ श्रृंगार निकाला था जो माता रानी को चढ़ता है तो वो लोगों में बांट दिया जाता है, तो फिर उसके बाद दरबार लगा था, उसके बाद तैयारी हो रही है ये सब चीज़ों की। तो अभी अभी घर आए हैं, मतलब 11:30 से ज़्यादा हो गए थे और अभी टाइम हो रहा है 1 बजने में 10 मिनट है ना मनु, 1 बजने वाला है, 10 मिनट है 1 बजने में बस। और ये दरबार से मेहंदी अगरा लगा के लाई थी क्योंकि आज 4:30-5 बजे तो दरबार ही वो किया मैंने, 3 बजे तक का मैंने लिखा था लेकिन आज भीड़ ज़्यादा हो गई थी और बाद में थोड़ा माता रानी नाराज़ भी हो गई थी, कुछ बात हो गई थी ऐसी दरबार में, तो 4:30-5 बजे मैं गद्दी में से उठी, उसके बाद मैं बहुत थक गई, फिर चाय पानी पिया, फिर 6 बजे से लग गए हम ये सब मेहंदी अगरा ये करने में, और उसके बाद 11:30 से ज़्यादा हो गया था जब घर आई थी और अब 1 बजने में 10 मिनट रह रहे हैं। तो पैर रह गए थे थोड़ा सा, पैरों की मेरी बेटी लगा रही है मेहंदी, वही दूधी लग रही, खाना वाना खा लिया और नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो चलो फिर आज ये छोटा सा ब्लॉग है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है, 1 बजने वाला है, सोच रही हूँ ये ब्लॉग अभी एडिट करके डाल दूँ लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है, नींद बहुत आ रही है, दरबार भी लगा था सुबह से थक गई हूँ। तो चलो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और कल फिर से ब्लॉग बनेगा, करवा चौथ का ब्लॉग बनाऊँगी आप सब लोगों के लिए। तो अभी के लिए जय माता दी, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।